बाकी मैं दवाई लेके तो घर आ चुकी हूँ और मैंने शाम के 4:30 हो रहे हैं और अपना मेरा आज मैं दिन भर ले बाकी मैं पहुँचने वाली हूँ खुन्नू पे और यहाँ पे है रामकृष्ण मिशन। फिलहाल तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पुष्पा रावत और आप सभी का स्वागत है खूब से इन पहाड़ों से मेरे यूट्यूब चैनल पुष्पा रावत ब्लॉग्स में। अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और मेरे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो चुकी है और आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग ना बुखार से हो रही है। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुखार हो गया है और मैं कल मक्कू से आई थी, उसके बाद मुझे बहुत उल्टियां आई और बुखार भी आया रात को और मेरी हो रही है हालत ख़राब। तो सोच रही हूँ पहले एक बार दवाई लेके आऊँ अपने लिए और बाजार जाऊँ क्योंकि आज मेरे हस्बैंड जी घर पर नहीं है। साथ में मौसम की बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ है, थोड़ा थोड़ा बादल भी वहाँ ऊपर से आने लगे हैं और शाम तक तो क्या ही बोलें उस मौसम का, कैसा ख़राब हो रहा है मौसम। और आजकल ना मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है, तभी धूप हो रही है, तभी हवा हो रही है, तभी बारिश हो रही है, तो उस वजह से यहाँ पे ना लोगों को काफ़ी जुकाम और बुखार है। मैं मार्केट के लिए आ गई हूँ रोड पे, यहाँ से ही जाती हूँ, आज यहाँ सुनसान है। बाकी मैं दवाई लेके तो घर आ चुकी हूँ और मैंने एक दवाई एक गोली खा दी है और आधे घंटे बाद इसको खाना है और फिर आराम करना है, फिर देखती हूँ कैसे रहता है मेरा बुखार। आज मैं दिन भर लेटी हुई हूँ, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत सुस्ती आ रही है। तो आज दिन भर कुछ भी ब्लॉग नहीं बन पाया मेरे से और मैंने सोचा अभी थोड़ा बता दूं और अभी तो 4:30 हो गए हैं तो मैं आज कहीं नहीं जाऊंगी बाहर, तो ये वाला ब्लॉग शायद 2 दिन में पूरा होगा। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुरू हो गई है खूबसूरत नए दिन की शुरुआत और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सड़क से। और कल से ना मुझे लगातार बुखार वैसी है और आज तो मैं थोड़ा उठ भी गई हूँ और लेकिन मैं दवाई के लिए जा रही हूँ, खन्नू जा रही हूँ। तो बाकी साथ में मेरे नवनीत और प्रियांशु हैं, कूड़े का थैला भी रखा हुआ है नवनीत ने। हम लोगों का कूड़ादान इधर है तो गदेरे के पास, वहाँ फेंकना पड़ता है हमको कूड़ा। तो आज का बाकी शाम को हमेशा ख़राब हो रहा है मौसम, आज भी लग रहा है वैसी होगा क्योंकि बादल आ गए हैं पहाड़ों से। तो बुखार और उल्टी की वजह से ना मुझ पर हिम्मत ही नहीं हो रही चलने की, काफ़ी धूप हो रही है, छाता भी रखा हुआ है मैंने। और बाकी यहाँ पे ना बरसात में बहुत बड़ा गदेरा आता है यहाँ पे, आजकल इसमें थोड़ा सा पानी है, बरसात में इतना भयंकर आता है कि यहाँ से आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पर भी खच्चर है और कुछ दिनों में इनकी तैयारी भी हो जाएगी केदारनाथ जाने की, तब ऐसे आराम से कहाँ रह पाएंगे बेचारे। प्रियांशु और नवनीत तो दौड़ दौड़ के जा रहे हैं और कोटमा से खुन्नू की दूरी है 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास, तो फिलहाल हमको पैदल ही चलना पड़ रहा है और पैदल। बाकी मैं पहुंचने वाली हूँ खुन्नू पे और यहाँ पे है रामकृष्ण मिशन वालों का मेडिकल, तो हर संडे को यहाँ पे दवाइयाँ देते हैं वो लोग, तो मैं भी यहीं पे आई हूँ। बाकी सामने पे दिखाई दे रहा है ये है दुच्छ महादेव का मंदिर और यहाँ पे जो ये नीला वाला दिखाई दे रहा है ये तो पावर हाउस है। साथ में जो ये नदी सूखी हुई है तो वो वाला पानी आता है टनल के अंदर, तो ये सामने से यहाँ से आता है बाहर और फिर यहाँ आता है टनल पावर हाउस में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और अंदर भी बैठे हुए हैं कुछ यहाँ पे हैं
और कुछ ये भी आ चुके हैं कोटमा से। और अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अब मेरा बुखार काफी हद तक ठीक है और मैं आ रही हूँ दीदी के घर पे, क्योंकि दीदी के घर में संतोषी आ रही है और हमारा नाती आ रखा है और इस समय तो रिशु आ रहा, रिशु का भाई आ रहा, रिशु की मम्मी भी आती है, बहुत सारे लोग आते हैं ना। यहाँ पे रिशु का भाई रिशु को मार रहा है क्योंकि उसने उसका खिलौना नीचे फेंक दिया था ना। ना दे ना दे ना दे।